हेलो फ्रेंड्स, आप लोग, मेरा नाम है लक्ष्य। वेलकम टू 20th एपिसोड ऑफ एप्पल न्यूज। और आज का एप्पल न्यूज भी जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सारे एपिसोड जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं। और आप में से कुछ लोग वेट कर रहे होंगे गिव अवे रिजल्ट्स का है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं अगर ये गिव अवे मैंने किया होता तो आप लोगों को कब के रिजल्ट्स मिल जाते। लेकिन स्पॉन्सर्ड गिव अवे है और आप लोगों को पता है ब्रांड्स की जो है बहुत सारी चीजें होती है, टर्म्स एंड कंडीशन होती है। आप लोगों को जो है ऑफिशियल मेल भी आएगी जो भी विनर्स होंगे। तो थोड़ा सा आप लोग जो है वेट करो, कल परसों में कभी भी जो है गिव अवे रिजल्ट जो है अनाउंस हो सकते। तो थोड़ा बहुत जो है आप लोग वेट करो। और जितने भी लोग चैनल पे जुड़ रहे हैं आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दो। स्टार्ट करते हैं, बहुत बड़ी न्यूज है। थोड़ा सा जो है यहाँ पे बहुत सारे लोगों को बुरा भी लगेगा जो लोग प्लान कर रहे हैं iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16 खरीदने के लिए। iPhone 16 थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो है मिंचिको की तरफ से एक बहुत बड़ी न्यूज आती है कि एप्पल आईफोन में जो है बहुत बड़ा चेंज करने वाला है। हम लोगों को हर साल जो चार मॉडल्स देखने के लिए मिलते हैं उसमें आप लोगों को जो है नई चिप देखने के लिए मिलती है। जैसे कि iPhone 13 सीरीज में हम लोगों को जो है A15 बायोनिक चिप देखने के लिए मिली, चाहे वो 13 मिनी हो, 13 हो, 13 प्रो, 13 प्रो मैक्स हो। और अब आने वाले iPhone 14 में सिर्फ प्रो मॉडल्स में, मतलब जो iPhone 14 प्रो होगा, iPhone 14 प्रो मैक्स होगा, आप लोगों को सिर्फ उसमें जो है A16 बायोनिक चिप देखने के लिए मिलेगी। 14 और 14 मैक्स में आप लोगों को देखने के लिए नहीं मिलेगी। एंड मिंचिको के हिसाब से अब आने वाले सभी iPhones में आप लोगों को डिफरेंशिएशन देखने के लिए मिलेगा कि जो प्रो मॉडल्स होंगे उसमें आप लोगों को नई चिप देखने के लिए मिलेगी और जो नॉन प्रो मॉडल्स होंगे उसमें आप लोगों को जो है एक साल पुरानी चिप देखने के लिए मिलेगी। ये एप्पल इसलिए कर रहा है क्योंकि एप्पल जो है यहां पे डिफरेंशिएट करना चाहता है प्रो और नॉन प्रो मॉडल्स को। ये जो है बहुत बड़ा अपग्रेड रहेगा। वैसे मैक्सिमम लोगों को जो है चिप से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो जो है बस आईफोन को नाम से परचेस करते हैं और उसके डिजाइन और लुक से परचेस करते हैं। लेकिन फिर भी जितने भी टेक गीक्स हैं जिनको यहाँ पे परफॉर्मेंस मैटर करती है, तो ये बहुत बड़ी बैड न्यूज है कि आप लोगों को अब आने वाले सभी आईफोन्स में जो है नॉन प्रो मॉडल स्पेशली उसमें लेटेस्ट चिप देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये एप्पल जो है बहुत बड़ा चेंज कर रहा है। और मेरे को लगता है अगर हम फोन के लिए 80-90,000 रुपीज पे कर रहे हैं और हमको एक नई चिप नहीं मिल रही जो ऑलरेडी मार्केट में एप्पल ने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो वो बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटिंग है। तो मेरे को ये स्टेप जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज, यहाँ पे एप्पल ने iOS 16 में एक सरप्राइज दी और बेटा 3 में यहाँ पे लॉन्च किया लॉकडाउन मोड। इतना कोविड और लॉकडाउन हो गया कि एप्पल ने इसको नाम दे दिया लॉकडाउन मोड। और ये इसलिए क्योंकि बहुत सारे फोन में हम लोगों को जो है साइबर अटैक्स देखने के लिए मिलते हैं। आईफोन वैसे बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे यहाँ पे जो है हैकर्स वगैरह होते हैं, जो ऐसे कुछ साइबर अटैक्स होते हैं जो बहुत ज्यादा प्रोफेशनली होते हैं और आईफोन में से जो है डेटा कलेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है लॉकडाउन मोड एप्पल ने इंट्रोड्यूस किया जिसमें अगर आप उसको इनेबल कर दोगे, जैसे हम लोग एंड्रॉइड फोन में डेवलपर मोड में जाते हैं, ऐसे यहाँ पे डेवलपर मोड के साथ साथ एक यहाँ पे लॉकडाउन मोड को जो है इंट्रोड्यूस किया है, उसके बाद आप लोगों के जो है यहाँ पे फोटोज, फेस टाइम, मैसेजेस और बहुत सारी ऐसी चीजें जो है बिल्कुल डिजेबल हो जाएंगी। एक तरीके से बिल्कुल लॉकडाउन हो जाएगा, कुछ भी यहाँ पे जो है नहीं हो सकता इनेबल और आपके फोन में कोई भी ऐसा साइबर अटैक होने की जो है पॉसिबिलिटी नहीं होगी। अभी ऑटोमेटिक नहीं होगा, आप लोगों को खुद मैनुअली करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि आपके फोन में कोई साइबर अटैक हो रहा है या कुछ भी आपके फोन में आपको कुछ गड़बड़ लग रही है तो आप जो है उसको इनेबल कर सकते हो। वैसे मेरे को जो है इसकी थोड़ी बहुत सेंस नहीं लगी, लेकिन जब एक बार आ जाएगा, जब एप्पल उसको समझाएगा अच्छे से, तो हम लोगों को जो है इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद नेक्स्ट एप्पल न्यूज है, यहाँ पे मैकबुक एयर M2 जो है ऑफिशियली इंडिया में प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है और आप लोग जो है परचेज कर सकते हो, ऑर्डर कर सकते हो। और आप लोगों को जो है नेक्स्ट वीक या फिर आते आते अगस्त में जो है मैकबुक एयर देखने के लिए मिल जाएगा। कितने लोग यहाँ पे प्री ऑर्डर कर रहे हैं और कितने लोग परचेज करने वाले, नीचे आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और आज की लास्ट एप्पल न्यूज यहाँ पे सीरीज 8 से रिलेटेड है। आप लोगों को मैंने लास्ट एप्पल न्यूज के एपिसोड में बताया था कि सीरीज 8 में बड़ी स्क्रीन आ रही है और बहुत सारी चीजें हो रही है। तो यहाँ पे जो है मार्क गर्मन की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट है। सीरीज 8 में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा रग्ड एडिशन, जैसा आप लोगों को पता ही है, और वो रग्ड एडिशन होगा 50mm का। ये सीरीज 7 जो है 45mm की, और आप लोगों का 50mm का जो है एडिशन देखने के लिए मिलेगा, प्लस एल्यूमिनियम और टाइटेनियम जगह आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, मेटल भी। तो यहाँ पे जो है एप्पल मेटल भी इंट्रोड्यूस करने वाला है, मेटल केसिंग आप लोगों को जो देखने के लिए मिलेगी। एंड लास्ट आप लोगों को जो है इंप्रूव बैटरी देखने के लिए मिलेगी। अब एप्पल वॉच का साइज इंक्रीज हो रहा है, तो आप लोगों को जो है सीरीज 8 में बहुत ज्यादा अच्छी बैटरी यहाँ पे जो देखने के लिए मिलने वाली है। तो ये थी बस मेरी आज की एप्पल न्यूज का एपिसोड। क्विक था, शॉर्ट था, लेकिन आप लोगों के लिए जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। और बैड न्यूज यहाँ पे सुन के थोड़ा बहुत जो है डिसअपॉइंटिंग जरूर होगा। आप लोगों के क्या व्यूज के ऊपर आप लोगों कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय।